नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम्स में आपका स्वागत है। आरपीसी एसआई की जो एंसर की आ गई और उसके बाद आपने वो एंसर की देख ली होगी। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि मैं महासर्वे के द्वारा आपको कट ऑफ बताऊंगा और उसमें बहुत सारे कैंडिडेटों ने मुझे भेजा था, अपने अपने नंबर भेजे थे, कैटेगरी भी भेजी थी, तो मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ जिन्होंने अपने अपने नंबर भेजे। और आपको मैं एक सिलेक्शन की बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास मार्किंग बन रहे हैं तो और आपका फिजिकल अच्छे से हो जाता है तो आप बिल्कुल एसआई में सिलेक्ट हो जाओगे। ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और प्रूफ के साथ। पहले देखते हैं आरपीसी एसआई की जो विज्ञप्ति थी वो क्या है। तो उस विज्ञप्ति में जो एग्ज़ाम था उससे संबंधित एक सूचना दी गई थी, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो यही वो सूचना है, आप दे सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि कैंडिडेट हु ऑब्टेन 36% ऑफ इन ईच पेपर एंड 40% इन ए ग्रेड, यानी प्रत्येक पेपर में 36% पास मार्किंग। जो दो पेपर थे, जनरल हिंदी का था और जनरल नॉलेज एंड साइंस का था, तो 36% प्रत्येक पेपर में अगर बन रहे हैं और टोटल दोनों पेपरों में मिलाकर 40% अगर पास मार्किंग बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट इस पेपर में पास है। यानी जिनके नंबर 36% और 40% नहीं बन रहे हैं वो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके भी नंबर एक दो बढ़ सकते हैं। और दोस्तों, पास मार्किंग में आपको पता भी होगा कि ज़्यादातर मेरे पास कैंडिडेटों ने भेजा कि हिंदी में उनके 60-70 नंबर बन रहे हैं, लेकिन जो दूसरा पेपर है जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस वाला, उसमें पूरे मतलब 40% नहीं बन रहे हैं। कईयों के 2-4 नंबर कम रह रहे हैं और कईयों के पूरे पूरे मतलब पूरे पूरे ही 40% बन रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें बात यह है कि इससे जो जनरल नॉलेज वाला पेपर है उसमें कई विद्यार्थी मतलब रह गए हैं, और लेकिन जिनके नंबर दोनों पेपरों में 36% और टोटल मिलाकर 40% बन रहे हैं उनको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। और वो मैं आपको बताऊंगा कि वो फिजिकल में अच्छी तैयारी कर एसआई में सिलेक्ट हो सकते हैं। और अगर जिनके एक दो नंबर कम भी रह रहे हैं 36% से, तो भी वो फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि ज़्यादातर लगभग ऐसा ही होता है कि पहले जो नंबर होते हैं उनसे एक दो नंबर बढ़ते ही है, और जब रिजल्ट आता है वो तब पता चलता है कि एक दो नंबर बढ़े हैं। तो वो भी फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि फिजिकल का विशेष महत्व है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आप देख लीजिए, ये फिजिकल की डिटेल है इसमें, और जो मेल कैंडिडेट के लिए वो आप दे सकते हैं, आप खुद समझ जाएंगे इसमें कि 100 मीटर की रेस है इसमें, और 14 सेकंड में अगर 100 मीटर की रेस पार करते हैं तो 40 नंबर बनते हैं। ये देखिए कितना बड़ा इसमें डिफरेंस है नंबरों का, सीधे सीधे 40 नंबर बन जाएंगे। तो जब आपके इसमें 36% पास मार्किंग बन रहे और फिजिकल में आप पूरे के पूरे नंबर लेते हो तो आप एसआई थानेदार बन सकते हो। और इसमें आप देख लीजिए, 15 सेकंड में पार करोगे तो 25 नंबर बनेंगे, और 16 सेकंड में पार करोगे तो आपके 15 नंबर मिलेंगे, और 16 से कम होंगे तो 0। और लेकिन लॉन्ग जंप है, उसमें भी देख लीजिए, अगर आप 14 फीट की लंबी छलांग लगाते हैं तो आपके 20 नंबर बनते हैं, और 13 फीट में 10 नंबर बनते हैं। डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, एक फीट का और वो ऊपर एक सेकंड का भी नंबरों का फुल डिफरेंस है, और 13 फीट से बिलो रह जाती है तो 0 नंबर है, 13 फीट होनी चाहिए। और जो चिनिंग अप है, यानी आपको ऊपर एक डंडा पकड़कर आपको उसे छूना होता है, ये होता है, और अगर 6 बार आप छूते हो उसे तो आपके 20 नंबर बनते हैं, और 5 बार में आपके 10 नंबर बन जाएंगे। तो ये मेल कैंडिडेट के लिए, और ये आसान है बिल्कुल, 6 बार छूना इसको, और ऊपर वाले भी आप कर सकते हैं। आप अगर तैयारी करें तो आप अगर पूरे के पूरे इसमें नंबर ला सकते हो तो आपका 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आपका सिलेक्शन एसआई में हो जाएगा, अगर आपके इसमें पेपर में पास मार्किंग बन रहे हैं। और दोस्तों, इसमें मेल कैंडिडेट के लिए ये है, और जो एक सर्विस मैन के लिए है उनके लिए भी देख लीजिए, ये आप जो 17 सेकेंड में 40, उनके लिए थोड़ा ज़्यादा है टाइम, 100 मीटर की रेस में 17 सेकंड में 40 नंबर बन रहे हैं, 18 सेकंड में 25 नंबर, 19 सेकंड में 15 नंबर, और लॉन्ग जंप में भी देख लीजिए कि 12 फीट अगर लॉन्ग जंप होगा तो 20 नंबर बनेंगे, और 11 फीट होगा तो 10 नंबर, और 11 फीट से अगर नीचे रह जाता है तो 0 नंबर। और चिनिंग अब आपको पहले बता दिया कि अगर 4 बार होगा तो 20 नंबर, और 3 बार होगा तो 10 नंबर। और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी देख लीजिए कि 100 मीटर की रेस में 17 सेकंड में अगर पार करते हैं तो 40 नंबर बनते हैं, और 18 सेकंड में पार करते हैं तो
25 नंबर बनते हैं, और 19 सेकंड में अगर पार करते हैं तो 15 नंबर बन जाते हैं, और 19 सेकंड से अगर नीचे रह जाते हैं तो 0 नंबर बनते हैं। तो और लॉन्ग जंप भी देख लीजिए, लंबी उछलांग भी देख लीजिए, 9 फीट में अगर 20 नंबर बनेंगे, 8 फीट में 10 नंबर, और 8 फीट से नीचे 0 नंबर। और जो पुटिंग एंड शॉर्ट पुट थ्रो, यानी फीमेल कैंडिडेट के लिए गोला फेंकना होगा, पुटिंग एंड शॉर्टकट थ्रो का मतलब गोला ही होगा, उनको गोला फेंकना होगा, उनके लिए चिनिंग अप नहीं होगा फीमेल कैंडिडेट के लिए। और उनके लिए आपको बता दूं कि 15 फीट लंबी दूरी पर फेंकते हैं तो 20 नंबर बनेंगे, और 14 फीट लंबी दूरी पर 10 नंबर बनेंगे, और 14 फीट से नीचे 0 नंबर। यानी इसमें आप खुद समझ गए होंगे नंबरों का एक एक सेकंड में कितना डिफरेंस है, और कितने ज़्यादा नंबर बन सकते हैं अगर आप अच्छे से फिजिकल करते हैं, और तो आपका एसआई में सिलेक्शन पक्का हो सकता है। और दोस्तों, आपने स्टडी टाइम्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि राजस्थान की हर भर्ती की हर अपडेट मिलती रहेगी आपको, और साथ ही एसआई का रिजल्ट आते ही तुरंत आपको अपडेट भी मिल जाएगी। धन्यवाद।